हेलो एवरीवन, वील वेट फॉर सम टाइम। मैं सभी कुछ जन का जुड़ने का वेट कर रही हूँ। Wow, so we have 42 people joined, already joined. सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, जय महेश। सत श्री अकाल। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को आज आप सबके सामने लाइव आने में। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अमोल कि उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। मैं हूँ कविता बरेडिया दिल्ली से। फूड एंड पैशन बाय कविता बरेडिया मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आपको मल्टी क्यूजन रेसिपीज मिलेगी। कोविड का सिचुएशन है तो हम सब चाहेंगे कि घर में ही हम अपना जो अच्छी कुकिंग कर सके, तो मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी क्विक रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल, जो बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत अच्छी लगेगी। आज हम बनाएंगे दोनों ही रेसिपी जो है थोड़ी हेल्दी टाइप में है। एक डेजर्ट बनाएंगे, एक हम बनाएंगे सैलड। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए हम शुरू करते हैं हमारे सैलेड के साथ। मैं बनाऊंगी पनीर टिक्का। मेरी जो भी रेसिपी होती है जनरली सारी रेसिपी जो है मल्टी फ्यूजन रेसिपी होती है, जस्ट बिकॉज ये मल्टी वेजिटेरियन चैनल है, मल्टी क्यूजन चैनल है, आपको यहाँ पे हर टाइप की रेसिपी मिलेगी। तो आज हम शुरू करते हैं पनीर टिक्का सैलेड के साथ। आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको दिख रहा है ना सब कुछ। तो सबसे पहले देखिए मैंने लिया है यहाँ पे हंग कर्ड, यानी जो दही है उसको हमने हंग कर लिया था। ये करीबन 2 से 3 टेबलस्पून दही है, बड़े चम्मच दही है। इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले, बेसिक मसाले। ये है लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च मैं यूज कर रही हूँ। मैंने डाला है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर। और अब इसमें हम डालेंगे अदरक हरी मिर्च। अदरक हरी मिर्च की मात्रा आप यूज कर सकते हो एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 इंच अदरक, इसको भी मैंने एकदम घिस लिया अच्छे से। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें हम ऐड करेंगे, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ अपना कैमरा ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ये रहा, आपकी क्वेरीज हो तो प्लीज हमें बताते रहिए। ये है मेरे पास मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। पनीर टिक्का जब भी बनाते हैं तो सरसों का तेल यूज करते हैं, उससे टेस्ट एंड फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा आता है। तो मैं ये सरसों का तेल ले रही हूँ 1.5 टेबलस्पून। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप डालिएगा, आप मेरे को बताते रहिएगा। हम बहुत ही टेस्टी बना रहे हैं पनीर टिक्का सैलड, इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये कॉन्टिनेंटल और इंडियन डेजर्ट का फ्यूजन है, इंडियन कुजिन का फ्यूजन है। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी भुना हुआ बेसन। ये भुना हुआ बेसन है, बेसन जो नॉर्मल बेसन होता है उसको हम भून लेंगे। ये है भुना हुआ बेसन। ये मेरे पास भुना हुआ बेसन, इसमें मैं डाल दूं 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून मैंने डाला है भुना हुआ बेसन। तो ये अब मैं इसमें तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सॉल्ट, हम इसमें डालेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार।
मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट यूज किया है। आप चाहो तो सॉल्ट की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हो। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून गरम मसाला यूज कर रही हूँ। ओके, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बारी आती है अमूल पनीर की। अमूल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, इंडिया का ब्रांड। ये मेरे पास अमूल पनीर है, इसको मैंने मोटे मोटे स्लाइसेस में कट किया है इस जंग से। अब इसको जो है हम कोट कर लेंगे इस मैरिनेशन के साथ। इनको अच्छे से हम सभी तरफ, ये जो मैरिनेशन है इससे हम कोट कर लेंगे दोनों तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ने पे थोड़ा सा हम हाथ का भी यूज करेंगे ताकि कोटिंग अच्छे से हो जाए। हम बना रहे हैं ग्रिल्ड पनीर टिक्का सैलड। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, फ्यूजन रेसिपी है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डालिएगा, आई एम देयर टू आंसर यू। मेरे यूट्यूब चैनल है फूड एंड पैशन बाय कविता बरडिया, लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में डाल दी हूँ, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक मल्टी क्यूजिन वेजिटेरियन चैनल है जहाँ पे एगलेस बेकिंग से लेके सब कुछ होता है। तो ये मैंने अच्छे से देखिए कोट कर दिया है हमारे पनीर को, एकदम अच्छे से पनीर को कोट कर दिया है। और अब इसमें हम लगाएंगे एक ऐसा फ्लेवर जिसके कारण ये पनीर हो जाएगा बिल्कुल मार्केट स्टाइल। मैंने कोयला जो होता है चारकोल, उसको गैस पे रख दिया था एकदम रेड करने के लिए, मतलब बिल्कुल गर्म कर लेना चारकोल को हमें। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये चारकोल है, इसको मैंने एकदम गर्म कर लिया है। अब इसको हम रखेंगे इसके अंदर और इसके अंदर हम डालेंगे घी और तुरंत जो है इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए जो ग्रिलिंग इफेक्ट है वो लाने देंगे। ये ग्रिलिंग इफेक्ट से हमारा जो ये पनीर टिक्का का जो हमारा सैलड बनेगा बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इसको हम साइड में रखते हैं। जनरली ये मैरिनेट करके आधा घंटा रखना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज हमारे पास आज टाइम कम है तो हम इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए रखेंगे। तो मैं एक बार इसको अंदर रखती हूँ। आज जैसे कि मैं 2 रेसिपी कर रही हूँ, एक है हमारा डेजर्ट और दूसरा मैंने पनीर टिक्का सैलेड है। तो पनीर टिक्का सैलेड से हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर बाद, तब तक हम शुरू करते हैं हमारा डेजर्ट के लिए। जब तक हमारा पनीर टिक्का मैरिनेट हो रहा है मैं डेजर्ट की शुरुआत करती हूँ। कोई क्वेरी सर? ओके, तो डेजर्ट की शुरुआत के लिए पनीर की साइज छोटा भी ले सकते हो, बट जस्ट बिकॉज टिक्का बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगता बड़ा साइज, तो मैंने बड़ा लिया है। आप बिल्कुल छोटा साइज भी कर सकते हो। तो ये मैंने एक कढ़ाई ली है और अब हम लेंगे थोड़ा सा, ये रेसिपी बहुत ही इजी है बट मानिए बहुत ही डिलीशियस और अच्छा बनता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेसिक चीजों से। मेरे पास ये बूंदी का लड्डू है। जनरली जब भी घर में बूंदी आते हैं बच्चे प्रेफर नहीं करते खाना, बच्चों को बूंदी अच्छी नहीं लगती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा डेजर्ट जो बच्चे खूब खुश होके खाएंगे एंड बच्चों का मन पसंद होगा। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए बूंदी रसमलाई क्रम्बल पुडिंग। ये केक का भी फॉर्म है और इसमें हम पुडिंग भी देंगे और हमारे जो घर ट्रेडिशनल स्वीट है उसका भी हम यूज लेंगे। तो आइए देखते कैसे बनाना है इसको। तो ये मेरे पास बूंदी के लड्डू है, आप चाहो तो मार्केट के बूंदी के लड्डू भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे आज मार्केट का ही लड्डू यूज किया, आप इवन इसको घर पे भी बना के यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट लेयर जो है ये बूंदी के लड्डू को हम खोल लेंगे। नॉर्मल जो पतली बूंदी आती है आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो जैसा आपका कंटेनर पुडिंग का कंटेनर का साइज हो उस हिसाब से आप यूज करिए। जैसे मेरे पास ये बोरोसिल का जो मीडियम साइज का कंटेनर है वो है, इसमें मैं अराउंड 4 बूंदी के लड्डू को अच्छे से स्प्रेड कर दी हूं। तो ये मेरा फर्स्ट लेयर रेडी है। और
आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज मेरे को बताइएगा। अब इसको हम राइट साइड में रखते हैं और आइए रसमलाई कस्टर्ड की तैयारी करते हैं। बहुत ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट है घर में आपके पास, जो इजीली अवेलेबल है उससे बन जाएगा। तो ये मैंने एक पैन लिया है, अब भी हम गैस की फ्लेम को रखेंगे बंद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट है कि आपको ये पुडिंग बिल्कुल भी लाइक इसमें हमें लंग्स नहीं चाहिए। तो ये बनाने का तरीका है, ये मैंने 1/8 यानी एक चौथाई का आधा लिया है कॉर्नफ्लावर। मैं एक पैन में कॉर्नफ्लावर डाल देती हूँ। आप ध्यान रखिएगा मैंने अभी तक गैस की फ्लेम जो है ऑफ ही रखी है। ये मेरे पास आधा लीटर दूध है, ये जो दूध है मैं दूध को धीरे धीरे डालूंगी, एकदम धीरे। तो पहले हम मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लावर को धीरे से ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। हमें बिल्कुल भी लम्स नहीं चाहिए इसीलिए मैंने धीरे धीरे मिक्स किया है। मैं देख लेती हूँ अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कोई क्वेरी। ओके, साइड में कैमरा में मेरा छोटा बेटा है, ही इज जस्ट 12 इयर्स ओल्ड। तो आप अपनी क्वेरीज पोस्ट करिए, ही विल कीप आस्किंग मी और मैं आपकी रिप्लाई कर देती हूँ। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमने कॉर्नफ्लावर डाला ये देखिए एकदम लम्स फ्री हो गया है और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम बाकी जो दूध है वो डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है 1/2 लीटर मिल्क। फ्लेम को अब हम ऑन करेंगे, फ्लेम रखेंगे मीडियम टू हाई और अब इसमें मैं ऐड करूंगी चीनी। मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर रही हूँ 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा मीठा प्रेफर करते हो तो चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। इसको हम स्टर करते हुए कुक करेंगे। जस्ट बिकॉज हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है तो कई बार कॉर्नफ्लावर जो है तले में चिपक जाता है, लम्स फॉर्म कर जाता है, तो इसीलिए मैंने जो है इसको कंटिन्यू हम स्टर करते हुए कुक करेंगे। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक भी डाल रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी जस्ट बिकॉज फेस्टिवल्स का टाइम है, आपको मेरे चैनल में काफ़ी इजी ऐसी मतलब बहुत ही अच्छी रेसिपीज मिलेगी जो आप किसी के घर में भी जब दो तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड अप्रिशिएशन तो ऑफकोर्स मिलना ही है। तो इसको हम कुक करते हैं स्टर करते हुए, इसी दौरान मैं इसमें डाल दूंगी केसर के धागे। मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से 7-8 10 धागे केसर के डाल दिए हैं। अब इसको हम स्टर करते हुए कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये कुक हो जाता है। आप अपने कमेंट्स को ज़रूर शेयर करिएगा और प्लीज़ लेट मी नो अगर मैं आपके पास अगर आपको कोई डाउट है समझने में या मैं ऑडिबल नहीं हूँ। ये है बूंदी रसमलाई कस्टर्ड पुडिंग, बूंदी रसमलाई कस्टर्ड क्रम्बल पुडिंग। इसमें हम केक का भी इफेक्ट देंगे, लास्ट में हम क्रम्बल भी करेंगे, आपको मैं बताऊंगी कैसे करना है। बहुत ही इजी रेसिपी है एंड आई एम श्योर मैदा आप यूज़ कर सकते हो। किसी ने पूछा है कॉर्नफ्लावर की जगह मैदा यूज़ कर सकते हैं क्या, आप बिल्कुल कर सकते हो, बट कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा लाइट टेक्सचर का होता है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। बट हाँ, आप बिल्कुल इसमें कॉर्नफ्लावर के जगह मैदा यूज़ कर सकते हो। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना बारीक चॉप किया हुआ आलमंड और इसमें हम ऐड करेंगे बारीक चॉप किए हुए पिस्ता और बारीक चॉप किया हुआ ये मेरे पास अखरोट है, उसको भी हम ऐड कर देंगे। वो कहा जाए अखरोट में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है, लेडीज़ लोग को खास करके एक मुट्ठी अखरोट एवरीडे ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। तो ये एक ऐसा डेजर्ट है जो बच्चों के लिए भी बहुत यूज़फुल है क्योंकि अखरोट में ऐसे कुछ बेनिफिट्स है जो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और क्वांटिटी में मैंने इसमें अखरोट, बादाम और इवन इसमें मैंने पिस्ता डाला है। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड कर सकते हो। और अब इसको हम स्टर करते हुए कुक करेंगे।
जैसे कि मैंने कहा, मेरे पास मेरे जो चैनल है वो कम्प्लीटली वेजिटेरियन कुकिंग चैनल है, एंड आपको वहाँ पे एगलेस बेकिंग, फ्यूजन कुकिंग सब कुछ मिलेगा। एक बार चैनल को विजिट ज़रूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब तभी करिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो। आई एम श्योर आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, बट स्टिल आई इंसिस्ट एक विजिट ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए हमारा ये रसमलाई का जो कस्टर्ड है कुक हो रहा है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी रसमलाई एसेंस। अगर आपके पास रसमलाई एसेंस नहीं है तो आप इवन गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास गुलाब जल भी नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम स्टर करते हुए करेंगे कुक। ये मेरे पास रसमलाई एसेंस है, तो मैं थोड़ा सा, कोई भी ब्रांड का रसमलाई एसेंस ले सकते हो, कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है। आप वनीला एसेंस भी कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, बट जस्ट बिकॉज हम रसमलाई कस्टर्ड पुडिंग बना रहे हैं इसीलिए मैंने इसमें रसमलाई का एसेंस ऐड किया है। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। अमूल एक ऐसी कंपनी है जो हमारे साथ सुबह से शुरू होती है, बिकॉज दूध से हम शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ और ये दूध आता है अमूल से। तो एक ऐसी कंपनी जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। मैं इसको एक बार अंदर में रख देती हूँ गैस के ऊपर कुक होने के लिए, ताकि ये थोड़ा फास्ट कुकिंग हो जाए। ओके, जब तक ये हमारा कस्टर्ड पुडिंग कुक हो रहा है, हमें थिक कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। मैंने इसको गैस पे रखा है कुक होने के लिए, थोड़ा फास्ट हो जाएगा ये कुकिंग। तब तक हम क्रम्बल की तैयारी करते हैं। ये मेरे पास मैदा है, मैंने हाफ कप मैदा लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी मेल्टेड बटर। ये मैं अराउंड 40 ग्राम बटर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। बहुत ज़्यादा बटर ऐड नहीं करेंगे, हमें थोड़ा सा क्रम्बल वाला टेक्सचर देना है, जैसे सैंडी टेक्सचर होता है वो वाला टेक्सचर देना है। तो इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी पीसी हुई चीनी। ये देखिए इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप चाहो तो इसके अंदर इवन चॉकलेट पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हो, दैट इज कोका पाउडर भी। तो बच्चों को कोका पाउडर बहुत अच्छा लगता है, तो इवन जो ये क्रम्बल हम बना रहे हैं इसको आप चॉकलेट का बेस भी कर सकते हो। तो इसमें मैं डाल रही हूँ अराउंड 2.5 टेबलस्पून चीनी। चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसमें हम ऐड करेंगे एकदम पीसी हुई चीनी। प्लीज़ आपकी कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इन बिटवीन डू चेक आउट माई यूट्यूब चैनल फूड एंड पैशन बाई कविता बरेडिया, लिंक भी कमेंट सेक्शन में है। तो इसको हम अच्छे से एकदम देखिए मिक्स कर लिया है हमने। ये मिक्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी से ही हमारे जो पुडिंग है उसमें बहुत ही अच्छा एक टेक्स्चर आएगा। आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश है, जो दिल्ली में रहते हैं उनको ये बात पता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी सी लोड शेडिंग हो रखी है, पावर फेलियर है। तो अगर कोई इनकन्वीनियंस है तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी उसके लिए। ओके, ये हमारा क्रम्बल एकदम अच्छे से रेडी हो गया। देख कोई कमी, अब एक बार हम अपनी पुडिंग को भी चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स आई एम रियली सॉरी, जस्ट बिकॉज देयर इज पावर फेलियर मेरा इंडक्शन काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसको जो है गैस पे कुक कर रही हूँ। तो आई जस्ट शो यू हाउ टू डू इट। ये देखिए
इसको हम गाढ़ा होने देते हैं और इसको हम फास्ट मतलब स्टर करते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, कंटिन्यू इसको स्टर करते रहिए। इसमें करीबन 3 से 4 मिनट लग जाता है थोड़ा थिकनिंग होने के लिए। ये देखिए ये अच्छे से गाढ़ा हो गया। किसी ने पूछा है क्रम्बल कैसे बनाना है, तो मैं फिर से बताती हूँ। हाफ कप हम मैदा लेंगे, मैदे के अंदर मैंने डाला है पाउडर शुगर, मैंने डाला है 2.5 टेबलस्पून पाउडर शुगर। आप उसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो अगर आप ज़्यादा मीठा प्रेफर करते हो। उसमें मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस और मैंने ऐड किया है बटर, मेल्टेड बटर, ताकि वो क्रम्बल का टेक्सचर आ जाए। आप देख सकते हो ये गाढ़ा हो गया काफी हद तक, बस थोड़ा सा हम और गाढ़ा करेंगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली इसको बेक करना है, तो हम थोड़ा सा गाढ़ा इसको और करते हैं 2 मिनट और। क्रम्बल में अब हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस, तो जस्ट इसको थोड़ा सा हम और स्टर कर लेते हैं। 1 मिनट और स्टर करने से ये हो जाएगा रेडी। ऑलरेडी आप देख सकते हो पहले से बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है। जस्ट बिकॉज ऑफ पावर फेलियर मेरा इंडक्शन काम नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे गैस पे कुक कर रही हूं। एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर ऑल द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। ओके, तो ये ऑलमोस्ट डन है। तो आइए हम क्रम्बल की एक बार उसमें वनीला एसेंस ऐड कर देते हैं। ये मैंने क्रम्बल देखी एकदम ऐसे सैंडी टेक्सचर का होना चाहिए हमारा क्रम्बल इस ढंग से। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो प्लीज आप जरूर पुट अप करिएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। अगर आप एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हो तो कुछ ड्रॉप्स ही यूज करिएगा। इवन जो बेकरी का जिनका होम बेकर्स है उनके लिए भी ये पुडिंग बहुत अच्छी है, तो आप अपने क्लाइंट से भी इसके लिए ऑर्डर ले सकते हो एंड दे लव दिस पुडिंग। ये एक फ्यूजन पुडिंग है जो हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें इंडियन भी लुक है और थोड़ा सा हमने डाला है केक का भी टेक्सचर। तो इस क्रम्बल को एक बार थोड़ा सा मैं हाथ से मिक्स कर दे रही हूँ ताकि ये वनीला एसेंस जो हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। कोविड का सिचुएशन है, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, उसका सबसे इम्पोर्टेंट एक तरीका है घर पे ही खाना बनाइए। बट कई बार घर पे खाना बनाना ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन हेडेक वाला है, तो हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी। तो रेस्टोरेंट स्टाइल घर में कुकिंग हो जाती है। आई जस्ट, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, तो ये हमारा डन हो गया है। अब हम करेंगे असेंबलिंग। हमारा कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है और ये मेरा बेस भी रेडी है। तो बेस में हमने डाला है बूंदी, मैंने मोटी बूंदी की लड्डू यूज की है, आप पतली बूंदी की लड्डू भी यूज कर सकते हो। विदाउट लड्डू नॉर्मल जो बूंदी होती है आप उसको भी यूज कर सकते हो इसके अंदर, और इवन विदाउट बूंदी भी इसको बना सकते हो। बेस आप चाहो तो बिस्किट का रख सकते हो, बट ये बहुत डिफरेंट टेस्ट देता है। बिस्किट का थोड़ा सा कॉमन टेस्ट हो गया, ये एकदम डिफरेंट पुडिंग है।
देखिए हमारी जो ये रसमलाई पुडिंग है एकदम रेडी हो गई है और ये गरम है, हमें गरम ही यूज़ करना है। तो अब इसको ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, मैं इसकी कंसिस्टेंसी फिर से दिखाती हूँ, इतनी गाढ़ी हो गई है, थोड़ी देर में और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको अब हम इस बूंदी के अंदर पोर करेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी आप रसमलाई कस्टर्ड में जो शुगर डाल रहे हो, बूंदी में ऑलरेडी शुगर होती है काफ़ी ज़्यादा, तो शुगर आप ध्यान से डालिएगा, बहुत ज़्यादा हमें नहीं यूज़ करना है बिकॉज हमें एक बैलेंस टेस्ट चाहिए। तो मैंने ये रसमलाई का कस्टर्ड जो है इसके अंदर पोर कर दिया है। जो हमने रसमलाई कस्टर्ड बनाई है इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बिकॉज ऑफ द एसेंस दैट वी हैव यूज्ड। आपको ऐसे ही लगेगा कि आप एक रसमलाई खा रहे हो। और अब बारी आती है हमारी ट्विस्ट की, जो हमारा ये डेजर्ट को देगा फ्यूजन। तो ये अब ऊपर हम डालेंगे ये मैदे का जो हमने क्रम्बल बनाया है इसको, ये हमारी जो पुडिंग है उसको बिल्कुल एक केक का टेक्सचर देगा। जैसे कि मैंने कहा इसमें आप चाहो तो इवन चॉकलेट पाउडर भी या कोका पाउडर भी यूज कर सकते हो। तो इसको अच्छे से हम कवर कर देंगे, बहुत मोटा नहीं करना है, बस एक ऊपर में जो क्रस्ट है वो हमें थोड़ा हार्ड और क्रंची बनाना है, बहुत हार्ड नहीं क्रंची टाइप का लुक देना है। तो ये मैंने इसके ऊपर अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया है। This is done. अगर आप क्रम्बल चाहो तो केक का भी बना सकते हो। अगर आप केक से बनाते हो तो वो इंस्टेंट हो जाता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा। आप केक से अगर जो लेफ्ट ओवर केक है अगर आप उससे बनाते हो देन बहुत ही इजी है। ऊपर में जो मैंने क्रम्बल ऐड किया है मैदे का, उसका जगह आप सिर्फ ऐड कर दोगे केक का मिक्सचर, क्रम्बल किया हुआ केक, और उसको बेक करना है। बस बेकिंग में थोड़ा सा फर्क आता है, इसमें बेकिंग थोड़ी ज्यादा टाइम लेती है और उसमें बेकिंग में टाइम कम लगेगा। ओके, अब मैंने अवन को जो है 180 डिग्री में प्री हीट कर दिया है 10 मिनट के लिए, और इसको अब हम बेक करेंगे अवन के अंदर। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप OTG में भी कन्वेक्शन मोड में इसको बेक कर सकते हो। ओके, अब हम जाते हैं हमारे फाइनल स्टेप के लिए। हमने पनीर टिक्का को रेडी किया था। ये मेरे पास नॉर्मल सैंडविच मेकर है, ये मेरे पास नॉर्मल सैंडविच मेकर है जिसमें ग्रिलर भी है। आप चाहो तो इसको तवे में भी कर सकते हो, ग्रिलिंग इफेक्ट आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर लेती हूँ ताकि हमारा पनीर चिपके नहीं। जब तक हमारा डेजर्ट बेक हो रहा है हम ये पनीर के मिक्सचर को रेडी करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जस्ट बिकॉज हमने इसको चारकोल से ग्रिल किया है। आपको बता नहीं सकती हूँ फ्रेंड्स कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक एक पनीर लूँगी। आप देख सकते हो कितने अच्छे से पनीर जो है कोट हो गया है, और उसको इस ग्रिलर के ऊपर रख दूँगी। जैसे कि मैंने कहा अगर आपके पास ग्रिलर नहीं है तो आप इवन इसको तवे में भी कर सकते हो आराम से। तो इसको हम पनीर को रख देंगे इसके ऊपर ग्रिलिंग के लिए। मेरे पास अभी 3 पनीर की स्पेस है तो तीनों पनीर मैं इसके ऊपर रख देती हूँ ग्रिलिंग होने के लिए। तब तक हम इसका जो रिमेनिंग बेस है वो तैयार करते हैं। तो इसको ग्रिल होने के लिए मैं अंदर रख देती हूँ ताकि फास्ट ग्रिलिंग हो जाए।
प्लग दे दो। ओके, इन द मीन टाइम हम सैलेड की जो ड्रेसिंग है वो रेडी कर लेते हैं। आई होप मेरी रेसिपी आपको समझ में आ रही है। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, प्लीज आस्क मी एनी क्वेरीज फ्रेंड्स, प्लीज डू आस्क मी। मैं आगे बढ़ सकती हूँ, एक थम्स अप जरूर बताइएगा। आई कैन गो अहेड, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। हमने पुडिंग को जो है बेक करने के लिए रख दिया है अवन में। हमारी जो पनीर है ग्रिल हो रही है। अब हम बनाएंगे पनीर की ड्रेसिंग। जो हम सैलड बना रहे हैं उसकी ड्रेसिंग बना रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट ड्रेसिंग है। यहाँ पे हम कॉन्टिनेंटल के साथ इंडियन को मर्ज करते हुए बनाएंगे, तो देखिएगा जरूर इसको और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अब मैं एक पैन लेती हूँ, थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा ये फ्यूजन है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने एक पैन लिया है और बारी है हमारी फ्यूजन की, तो कुछ वेजिटेबल्स है जो मैंने चॉप। सबसे पहले मैं यूज करूंगी ऑलिव ऑयल, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ऑयल की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। कस्टर्ड रेसिपी, जब तक तेल गर्म हो रहा है, किसी ने पूछा है कस्टर्ड की रेसिपी, तो मैं फिर से बता देती हूँ। वैसे ये लाइव वीडियो रहेगा अमूल के पेज के ऊपर, बट स्टिल मैंने रसमलाई पहले मैंने बॉटम लेयर लगाया है बूंदी के लड्डू का। आप नॉर्मल बूंदी भी लगा सकते हो, पतली बूंदी, मोटी बूंदी, एज पर प्रेफरेंस। कस्टर्ड में हमने लिया है 1/2 लीटर मिल्क, उसमें 1/8 यानी 1/4 का आधा मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। धीरे धीरे मिक्स किया है, मिक्सचर को एकदम लम्स फ्री रखा है। उसके बाद उसमें मैंने ऐड किया शुगर, मैंने किया 1/4 कप शुगर। आप शुगर की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और फिर उसको हमने हाई मीडियम फ्लेम में उसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए कुक किया है। उसमें मैंने ऐड किया रसमलाई एसेंस। अगर आपके पास रसमलाई एसेंस नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हो, विदाउट एसेंस भी बना सकते हो, गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हो। उसमें मैंने ऐड किया आलमंड, ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड करिए। थोड़ा सा मैंने केसर ऐड किया है और एकदम गाढ़ा होने तक कुक कर लिया। और उसको फिर अब मैंने डाला है बूंदी के ऊपर और फिर उसके ऊपर मैंने क्रम्बल डाला है। क्रम्बल की रेसिपी मैंने काफ़ी बार आपको बता दी है। अगर आप क्रम्बल यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप इवन केक का जो केक लेफ्ट ओवर केक है उसको भी एकदम चूरा करके भी यूज़ कर सकते हो। तेल हमारा गर्म हो गया है, मैंने 1 मीडियम प्याज को लंबे लंबे कट कर लिए हैं, इस ढंग से चॉप कर लिया है। और इस प्याज को हम सौते करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अभी हम बना रहे हैं हमारी पनीर टिक्का सैलेड की ड्रेसिंग। ये जो ड्रेसिंग हम बनाएंगे इसमें हम वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज मैंने कहा मेरा ये जो डिश है ये फ्यूजन है कॉन्टिनेंटल और इंडियन का, तो इसलिए मैं इसमें जो वेजिटेबल है उसको हम बहुत कुक नहीं करेंगे। इसको हम जस्ट हल्का सा क्रंची रखेंगे, फ्लेम रखेंगे हाई। फ्लेम हाई रखने का रीज़न ये है हमें एकदम स्मोकी एंड वो फ्लेवर चाहिए। उस स्मोकी फ्लेवर से क्या होगा, हमारा जो ये सैलड है वो बहुत ही टेस्टी और एकदम तंदूर टाइप का टेस्ट आएगा। तो ये प्याज को हम 1 मिनट और कुक करते हैं कुछ सेकंड्स। एनी क्वेरीज प्लीज डू आस्क मी फ्रेंड्स। फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी आप सबको। ओके, वेजिटेबल मैं यूज कर रही हूँ, ये देखिए मैंने टोमेटो को पतला पतला लंबा काट लिया है और इनके जो बीज है वो हटा लिए। नॉर्मल एक छोटा टोमेटो है जिसको मैंने ऐसे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। मैंने लिया है रेड बेल पेपर, थोड़ी सी गाजर, पीली बेल पेपर, हरी शिमला मिर्च। आप इसमें इवन ब्रोकली भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने इसमें डाल दी है और अब इसको हम कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, वेजिटेबल्स को हमें रखना है क्रम्बलिंग, क्रंची, बहुत क्रंची रखना है।
अब इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक हर्ब्स। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। मेरा यूट्यूब चैनल है फूड एंड पैशन बाय कविता बरेडिया, जरूर जरूर उसको सब्सक्राइब करिएगा। और ये मैं ऐड कर रही हूँ पिज्जा हर्ब, ओरिगेनो, चिली ओरिगेनो, इसके अंदर पार्सले सब कुछ मिक्स किया हुआ होता है पिज्जा हर्ब में। और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यूज किया है और 1.5 टीस्पून मैंने यूज किया है पिज्जा हर्ब। पिज्जा हर्ब और चिली फ्लेक्स की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हो एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आप देख सकते हो ये वेजिटेबल हमारी कितनी अच्छी लग रही है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे, आप मेरे पास जो सैंडविच मेकर है उसमें ग्रिलर है। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे ग्रिल किया है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। नॉर्मल जो हमने पनीर को मैरिनेट किया था उसी को ही ग्रिलर में डाल के मैंने ग्रिल किया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट स्वाद अनुसार ऐड करिए, मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और मेरे पास है रेड चिली सॉस और टोमेटो केचप का मिक्सचर, वो हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। वो मिक्सचर हम सॉस का तभी ऐड करेंगे जब हमारा ये कम्प्लीटली कुक हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा वेजिटेबल को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। आप इसमें इवन मशरूम भी ऐड कर सकते हो, ब्रोकली एंड मशरूम भी, कॉर्न भी ऐड कर सकते हो, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ओके, जब तक हमारी वेजिटेबल कुक हो रही है थोड़ा सा क्विक है बोल के मैं आपको ये डिप बता देती हूँ। ये डिप बहुत स्पेशल डिप है, इसका रेसिपी आपको बताती हूँ। मैंने 10 से 12 कलियाँ लहसुन ली है, 4 साबुत हरी लाल मिर्च ली है, कश्मीरी लाल मिर्च, ड्राई कश्मीरी लाल मिर्च। ऑलिव ऑयल में पहले हमने डाला गार्लिक को, उसको हल्का सा ब्राउनिंग किया और उसके बाद लाल मिर्च डाल दी। फिर उसको गार्लिक को हमने बाहर निकाल लिया, रेड चिली को भी बाहर निकाल लिया, थोड़ा सा दही डाला। मैंने डाला है अराउंड 1/8 यानी 1/4 का आधा दही, और उसमें मैंने डाला थोड़ा सा धनिया पत्ता, अराउंड 2 टेबलस्पून धनिया पत्ता, और उसमें मैंने डाला है मस्टर्ड सॉस और थोड़ा सा टोमेटो केचप। और ये हमारा ये बहुत ही डिफरेंट यमी हमारा ये ड्रेसिंग का सॉस रेडी है। जैसे कि आप सब कह रहे थे, मैं आपको ग्रिलिंग वाला भी दिखाती हूँ। ये ले जाओ, एक सेकेंड आप मेरे को थोड़ा सा ये ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। ओके, मैं आपको ग्रिलिंग भी दिखा रही हूँ मैंने कैसे किया है। अगर आपके पास ग्रिलर नहीं है तो नॉट टू वरी, आप उसको इवन तवे पे भी कर सकते हो, बिल्कुल अच्छा टेस्ट आएगा। खाली जो लाइन्स होती है वो नहीं आएगी। ये हमारा वेजिटेबल भी एकदम रेडी है, फ्लेम को हम कर देंगे बंद। और अब हम करेंगे तैयारी, हमारा पुडिंग भी रेडी है। अब हम बंद कर दो, देख लो पुडिंग रेडी है। मैं आपको ग्रिलिंग भी कैसे की हूँ दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ये रहा, आप देख सकते हो, आप देखिए कितना अच्छा कलर आया, बहुत गर्म है। ये देख लीजिए आप कितना अच्छा इसमें कलर आया है। आई होप इट्स विजिबल टू एवरीबडी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए ये सब विजिबल है कि नहीं है। ओके, अब मैं ये जो ग्रिल किए हैं हमने, इसको हम बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट में। बेकिंग मैंने किया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड में। पहले मैंने 10 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट कर लिया है और उसके बाद मैंने बेक किया है 180 डिग्री में। डिपेंड करता है, मेरे को 15 मिनट लगा है, ओवन टू ओवन वेरी करता है कि कितना टाइम लगेगा।
ओके, अब हम अपने सैलेड को असेंबल करते हैं। फ्रेंड्स आई एम श्योर ये आप बहुत अच्छा लगेगा, जरूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और हमें बताइएगा कैसे बनकर आया आपके लिए। तो ये मैं शुरुआत करती हूँ इसकी असेंबलिंग। बेकिंग 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया है। ओके, आप देखिए मैंने इसको इसमें डाल दिया। कॉलीफ्लावर यानी पत्ता गोभी का मैंने ऐसे छिलका निकाल लिया है और ये कप हमारे लिए बन गया है। इसी पे हम सैलेड को सर्व करेंगे। आप इसको भी आराम से खा सकते हो बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी। तो ये मैंने कुछ कॉलीफ्लावर के पत्ते ले लिए, सॉरी कैबेज के पत्ते ले लिया है। सो नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हम लेंगे, इसके ऊपर हम रखेंगे हमारी पनीर, ये देखिए। एंड नाउ वील पुट आर वेजिटेबल्स, ये जो हमने वेजिटेबल रेडी किया है, ये हमारी वेजिटेबल्स है, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे। और अब इस पे हम ऐड करेंगे हमारी डिप। ये मेरे पास नॉर्मल मिंट की चटनी है, आप इसके साथ सर्व कर सकते हो। और जो मैंने अभी आपको ड्रेसिंग बताई थी लहसुन की और हरी मिर्च की, मस्टर्ड सीड की, वो इसके ऊपर हम अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये हमारी रेडी हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कितना यमी लग रहा है ये। तो इसी तरीके से मैं एक और रेडी कर लेती हूँ, मैं आई शो यू हाउ टू डू इट। एक और दिखाते हैं हम आपको, मैं इसमें सॉस भी पोर कर लेती हूँ। ये वो चटनी है जो हमने रेडी की है, बहुत ही टेस्टी लगती है बिकॉज उसमें मस्टर्ड का टेस्ट आता है। और ये नॉर्मल मिंट की चटनी है, ये नॉर्मल मिंट की चटनी है। तो ये पत्ता लेंगे हम कॉलीफ्लावर कैबेज का, इसके ऊपर ग्रिल्ड पनीर, और इस पे हम ऐड करेंगे ये हमारी वेजिटेबल। थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन, आप सबकी अप्रिशिएशन बहुत मायने रखती है मेरे लिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फूड एंड पैशन बाय कविता बरेडिया। ये हमारी रेडी हो गई है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा दिखने में। मैं आपको इसको दिखाती हूँ प्रॉपरली। अब हम लेके आते हैं हमारी पुडिंग। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये रेसिपी आपको? बहुत ही हेल्दी है, फ्यूजन है, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस राखी में आप जरूर ट्राई करिएगा, कैसे बन किया ये हमें बताइएगा। मेरे YouTube चैनल में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसकी रेसिपी मेरे YouTube चैनल में भी है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। अभी चल रहा है सीजन फेस्टिविटीज़ का, घेवर से लेकर बहुत ही डिफरेंट यमी पुडिंग्स की रेसिपी भी है मेरे चैनल पर। संदेश जो बहुत हेल्दी होता है उसकी भी रेसिपी है। तो प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर करिएगा मेरे YouTube चैनल को। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। आपका ये जो शेयर और ये जो लव है, ये जो सब्सक्राइब करते हैं, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है और एक इंस्पिरेशन देता है आगे और अच्छी रेसिपी लाने के लिए। अगर आपकी कोई रेसिपी है जो आप चाहते हो कि मैं आपके लिए लेके आऊँ, ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए वो रेसिपी लेके आऊँगी। ओके, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ आज की प्रेजेंटेशन। दो डिश जो हमने रेडी की है, ये है हमारी सैलड और ये हमारी क्रम्बल पुडिंग। आप देखो कितना अच्छे से हमारा क्रम्बल रेडी हो गया है, बहुत ही गर्म है अभी। इसको आप गर्म भी सर्व कर सकते हो, ठंडा भी सर्व कर सकते हो, दोनों तरीके से ये सर्व होता है। इसका आप देखिए क्रस्ट कितना अच्छे से हो गया है। जस्ट बिकॉज ये बहुत हॉट है, अगर अभी हम इसको निकालेंगे तो थोड़ा सा ये लाइक क्रम्बलिंग हो जाएगा, गिर कट जाएगा। बट अगर आप हल्का सा इसको रूम टेम्परेचर पे आने पे या थोड़ा सा ठंडा होने पे कट करोगे तो प्रॉपर स्लाइस कट होके आएगी। बट स्टिल मैं आपको दिखाऊंगी जरूर इसको कट होने पे कैसे लगता है। तो क्रिस्पीनेस किसी ने कहा दिखाऊं, ये बहुत मतलब एकदम केक टाइप का लुक आता है, मैं आपको दिखाती हूँ।
जस्ट गिव मी 1 मिनट, बहुत गर्म है तो आई शो यू। ये देखिए एकदम केक जैसा होता है वैसा होता है। आई होप इट्स विजिबल टू यू ऑल। फोक से ना आपको आवाज नहीं आएगी, अगर आप सोच रहे हो कि वो आवाज आएगी वो नहीं होगा। ये क्रम्बल है जो क्रिस्पी नहीं है, ये क्रम्बल है जो आपको मुंह में क्रंच देगा, केक का जो क्रंच होता है वो क्रंच देगा। बट इट्स नॉट लाइक जो मठरी होती है वैसी नहीं होती है ये। तो ये हमारी 2 रेसिपी आज की। मैं आपको थोड़ा सा कट करके दिखाती हूँ प्लेट में ये पुडिंग कैसे बनकर आई है। 2 अभी बहुत गर्म है, जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा होने पे अगर हम इसको कट करते हैं तो पीस बनकर बाहर आ जाती है। ये अभी एकदम लिक्विड फॉर्म में बाहर आएगी, जस्ट बिकॉज ये ठंडा नहीं हुआ है, एकदम लिक्विड फॉर्म में आएगी। ठंडा होने पर थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर में आने से ये एकदम थोड़ा सा पीस टाइप में आ जाती है। तो कैसी रहती है आपको ये मेरी रेसिपी जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करिएगा और शेयर इस वीडियो को जरूर करिएगा। अमूल के साथ इसी तरीके से बने रहिए। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो फ्रेंड्स, आई विल वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स देन वी विल साइन ऑफ। एनी क्वेरीज? सो मैं एक बार अपनी टीम से आपको मिलवाना चाहूंगी। सो दिस इज माई टीम, आप सबका अप्रिशिएशन। कैमरा हैंडलिंग कर रहा है मेरा बेटा दिव्यांश, बैक में सपोर्ट है समर का। कहते हैं बिना टीम को मिलाए कोई भी मिशन सक्सेसफुल नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने अपनी टीम से आपको मिलाई है। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, आपकी मोटिवेशन हमें हमेशा आगे बढ़ने को हेल्प करती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लगे कि कुछ चेंजेस लाने हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। हमें जेन्युइन फीडबैक चाहिए बिकॉज हमें इम्प्रूव करना है, आगे और अच्छा बन के आना है। तो फॉर दैट वी नीड योर जेन्युइन फीडबैक। अगर आपकी कोई रेसिपी डिमांड में है प्लीज़ लेट मी नो ऑन माई यूट्यूब चैनल। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं कविता बरेडिया फ्रॉम दिल्ली। मैं हूं MBA इन मार्केटिंग, NLP प्रैक्टिशनर, लाइफ कोच, लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच, साड़ी ड्रेप आर्टिस्ट। आई नो टू ड्रेप साड़ी इन मोर देन 200 स्टाइल्स, अवॉर्डेड एज विमेन हु इंस्पायर बाय लाइफस्टाइल एंड फैशन लाइफस्टाइल मैगजीन, क्रेजी टेल एंड मेनी अदर प्लेटफॉर्म, ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल में। सो एनी अदर क्वेरीज? ओके देन, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र, सभी को नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फूड एंड पैशन बाय कविता बरेडिया एंड डू गिव योर फीडबैक। बाय बाय।